शांति ओम शांति ओम 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 आज बाप दादा बोले मीठे बच्चे दान तो सदा पात्र को देना है ये ध्यान रहे फालतू समय वेस्ट नहीं करना है हरे की नब्ज देखो बाबा हम बच्चों को कैसे कैसे समझाओ क्या सारी मुरली समझाने के लिए ये पॉइंट अच्छी रे समझानी है ये पॉइंट जरूर समझानी चाहिए जब कोई ऐसी पॉइंट को स्पष्ट करने की बाबा ने बात बताई है तो कहते हैं ये पूरी ध्यान पे रखनी चाहिए बिना-बिना प्रकार से सारी मुरली इसी प्रकार है सदा पात्र को देना है फालतू समय वेस्ट नहीं करना है हर एक की नब्ज देखो कौन सी देखो नब्ज उसको देखने में नहीं लग जाना है सुनाना अपने से है परंतु सुनाते ये पता चल जाता है कैसे नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती तो नहीं है पता चलता है ना सुनने के भाव से प्रश्न पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो वो तुम्हारी परहेज क्या है ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहना ही सबसे भारी परहेज है वह कौन सी परहेज जो कमल पुष्प समान रहना ही सबसे भारी परहेज है हमारा त्याग ही है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का एक आंख में है स्वीट होम दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखते बेहद के पुरानी दुनिया का त्याग उसकी धारणाएं क्या क्या होंगी जो त्याग कर सके उसकी वो परहेज कौन सी याद होगा अगली मुरली में बाबा ने कहा था पावन दुनिया एक बाप ही आकर स्थापन कर सकते हैं क्योंकि पावन दुनिया में चलने के लिए पवित्रता की धारणा बहुत जरूरी है। और जब पवित्रता को धारण करे तभी तो कमल पुष्प समान ग्रस्त व्यवहार में रह सके तब उनका दुनिया के साथ बुद्धि योग हट सके तो बाबा ने इसमें दुनिया की बात दी है तुम्हारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का क्योंकि आज तो दुनिया का आधार ही ये है ना? ग्रस्त व्यवहार का आधारित ये है तो फिर आगे जब पुरानी दुनिया का सन्यास है तो एक आँख में स्वीट होम दूसरी आँख में स्वीट राजधानी इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखते ये है सबसे बड़ी परहेज इसी परहेज से ही पावन दुनिया में चले जाते हैं आज का गीत बजाओ धीरज धर मनवा धीरज धर आप फिर सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य साविस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है पूरा नष्टो मोहा बनना है बुद्धि बुद्धि दूसरी योग त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है आज का वरदान सदा बिजी रह हर कदम में पदमों की कमाई जमा करने वाले माया जीत भवन आप बच्चे ब्राह्मण बने हो सदा बिजी रहने के लिए कान खोल कर सुनना आप ब्राह्मण बच्चे आप बच्चे ब्राह्मण बने हो सदा बिजी रहने के लिए बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं जो हर कदम में पदमों की कमाई जमा करते हैं सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई कर ही नहीं सकता तब जब चलते फिरते कदम कदम बाप की याद बनी रहे तो हमारी कमाई होती रहती है जो हर कदम में बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं जो हर कदम में पदमों की कमाई जमा करते हैं सारे कलप में ऐसा बिजनेस कोई कर ही नहीं सकता जो सदा बिजी रहता है उसके पास माया आती नहीं आती ही नहीं क्यों उसके पास माया को रिसीव करने का समय ही नहीं है तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो कि हमारे कदम कदम में पदम है लेकिन जितना नशा उतना निर्माण स्लोगन आज का अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है